प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा गंभीर है और ऐसा संदेश है जो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, हम सब विश्वासियों के लिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, धैर्य रखिएगा और इस पूरे वचन को सुनिए। यह न्याय के विषय में है कि जिस समय न्याय होगा उस समय की फिल्म क्या होगी, सीन क्या होगा, उस समय क्या हो रहा होगा, ये आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है और वो आने वाला है, तो ऐसे समय में हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है आज की। ध्यान से सुनिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को जानते नहीं हैं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और एक नए संदेश को आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, और ऐसा संदेश जो आज हमें हिला के रखेगा। दोस्तों, हम अपने जीवन में अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने खास दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना रह नहीं सकते। यदि कोई नाराज हो जाता है तो हम उन्हें मनाने के लिए सारी ताकत लगा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, फ़ोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, हम विचलित हो जाते हैं, बालकनी में चक्कर लगाते हैं, सड़क पर घूमते हैं, छत पर चले जाते हैं, क्या हो गया, ये क्यों नाराज है, मान क्यों नहीं रहे हैं। ये ऐसी प्रक्रिया है जो हमें विचलित कर देती है, हम परेशानी के दौर से गुजरने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि किसी का नाराज़ होना हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। जिसे हम प्यार करते हैं वो हमसे नाराज़ हो जाए तो हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं। ये प्रेम जो है हमारा बना रहना चाहिए, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। न्याय के समय ये प्रेम कहाँ पर होगा, एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना में शामिल हो। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया है। परमपिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ आज के वचन के लिए जो तूने दिया, इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता, हरेक को आशीषित कर, हरेक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने लोगों ने कल रिक्वेस्ट भेजी उन सब के लिए मैं दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि सबकी दुख बीमारी चिंता परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही गंभीरता से बैठिएगा, सुनिए ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान से, अपने ध्यान को मत भटकाइएगा। बहुत बहुत संवेदनशील आज का वचन है, बहुत नाजुक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सुनने की ज़रूरत है और सुनने के बाद वैसा ही करने की भी आवश्यकता है। मैंने अभी जिक्र किया था रिश्तेदारों का, प्रेम का, दोस्तों का, हम कितना प्यार करते हैं, हाथ मिलाते हैं। जब देखिए, जब हम जिससे प्रेम करते हैं तो मन करता है उसके साथ रहें, उसे छू कर देखें, उसे देखते रहें, उससे बातचीत करें, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ऐसा होता है। लेकिन जब हम विश्वास में आ जाते हैं, मैं विश्वास में हूं और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, मेरे दो बेटे हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो विश्वास में नहीं आ रहे, तो मेरा प्रेम तो व्यर्थ है। यीशु मसीह तो आने वाले हैं और अगर मैंने विश्वास किया है, मैं प्रभु में चल रहा हूँ, मेरे बच्चे नहीं चल रहे हैं, तो यीशु मसीह तो
हमें अलग कर देंगे। बहुत ही गंभीर मसला है ये, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का सुभागमन निकट है। हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 1:7 में भी लिखा है कि देखो वो बादल के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेदा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे ये मैं बता चुका हूँ। हालेलुया। तो मसला बहुत ही गंभीर है। ये प्रेम हमारा जो हम आज अपनों से करते हैं ये उस समय बेमानी साबित होगा जब यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। आइए वचन से देखेंगे मत्ती की पत्री। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 49:49:6-7 लिखा है कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पैसा, धन को परमेश्वर का वचन रिजेक्ट करता है। कहता है प्रभु कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो यहाँ लिखा है जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते, बहुत पैसा हमारे पास उस पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। इतना ध्यान रख लीजिएगा, ये वचन आप अपने दिमाग में रख लीजिए, इसी पर हम आगे चलते चले जाएंगे। यानी क्या, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। उसके बदले यानी कि रिश्वत में घूस देकर हम परमेश्वर से नहीं कह सकते कि प्रभु ये 2000 का नोट ले लो या 1 करोड़ रुपया ले लो, मेरे बंदे को इधर कर दो। नहीं, हम धन से अपने लोगों को नहीं बचा सकते। हमारे पास अभी समय है, जिन्हें हम प्रेम करते हैं उन्हें हम झपट कर आग में से आज निकाल लें। वो बुरा मान सकते हैं, वो नाराज़ हो सकते हैं, वो गालियां दे सकते हैं, वो मार पिटाई कर सकते हैं, वो हमारे साथ बदतमीजियां कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें उन्हें प्रभु के बारे में बताना होगा। हम अपने घर में देखें, देखिए सेवकाई घर से शुरू होती है, सेवकाई घर से शुरू होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा प्रेरित के काम 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और क्या कहा, यरूशलेम यहूदिया सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यरूशलेम का मतलब क्या, घर। तो सेवकाई घर से शुरू होती है। अब मान लीजिए कि हमारे घर में कोई एक व्यक्ति है जो बहुत शराब पीता है, घर में बहुत बदतमीजियाँ करता है, पूरे मोहल्ले में हम बदनाम हैं उसके नाम के कारण, और हम रोज़ शाम को बाइबल लेकर जगह जगह जाकर प्रार्थना करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं और उन्हें बताते हैं शराब पीना बुरी बात है, क्या शिक्षा रह जाएगी हमारी। पहले हम उसको सुधारें जो हमारे घर में शराब के नशे में पड़ा है। तो यहाँ पर लिखा है जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है कि प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूँ ये ले लो और ये जो मेरा बंदा है या कोई भी है मेरा रिश्तेदार मेरा अजीज उसको मुझे दे दो। नहीं सुनेगा प्रभु। अभी समय है, अभी अनुग्रह का समय है, अभी सुन लेगा, अभी उसके लिए प्रार्थना करें, अभी घुटने पर आ जाएं और उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे भाई को मेरी बहन को मेरे अजीज को मेरे दोस्त को मेरा जो खास अजीज है उसको मुझे वापस दे दे। तू अपने पास बुला, तू अपने में उसको चला, मैं चाहती हूँ कि वो भी प्रभु में आए, हम घुटने पे आ जाएं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, रो रो के बिलख बिलख के प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा और उसके हृदय को परिवर्तित करेगा। होगा क्या ये देखते हैं। मत्ती की पत्री देखेंगे अब हम 25:31 से, मत्ती 25 और इसके 31 से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ।
कि इस मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है, ये सेमिनार में या किसी भी बड़ी मीटिंग में करने का मैसेज है, लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज का मैसेज थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। एक शब्द है यहाँ पर, सब स्वर्गदूत। सब मतलब सारे जितने भी स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। क्यों आएंगे, ये भी सवाल है, क्यों आ रहे हैं यीशु मसीह के साथ? यीशु मसीह क्या करेंगे, इन स्वर्गदूतों को दो भागों में बांटेंगे। मान लीजिए कि 1 करोड़ स्वर्गदूत हैं, अब वैसे तो हमें गिनती नहीं पता, हम एक अटकल लगा रहे हैं। मान लीजिए कि 1 करोड़ स्वर्गदूत हैं, तो यीशु मसीह उनको दो भागों में बांटेंगे, 50 लाख एक तरफ हैं और 50 लाख एक तरफ हैं। तो ये जो पहले 50 लाख हैं, वो क्या करेंगे, हम मत्ती की पत्री देखेंगे 24 अध्याय में और उसका 31 पद है। यहाँ लिखा है, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। ये सब स्वर्गदूत किस लिए आ रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके यीशु मसीह के सामने खड़ा करेंगे ताकि न्याय हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि ये क्या करेंगे, चारों दिशाओं से जाकर परमेश्वर के चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, चुने हुओं को। ठीक है, हम देखेंगे मत्ती 13 अध्याय और उसका 41 पद। यहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। ठोकर का कारण कौन है? मान लीजिए कि कोई स्त्री मेरे पास आती है अपने पति को लेकर और वो कहती है कि पास्टर जी ये बहुत शराब पीते हैं, आप इनको समझाइए। और मैं बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करता हूँ, समझाते समझाते सुबह से शाम हो जाती है, और फिर वो कहेगा कि हाँ पास्टर जी आपने बोला है तो मैं आज से शराब को छोड़ देता हूँ। शाम को वो चला गया अपने घर, और क्या हुआ, जब वो रास्ते में से जा रहा है तो शराब की दुकान पर उसने मुझे खड़ा हुआ देख लिया, मैं शराब खरीद रहा हूँ। क्या शिक्षा रह गई मेरी? वो सिर्फ मेरे कंधे पर हाथ रख के बोलेगा, पास्टर जी मैं वहीं पानी बानी हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा मैं उसको दे रहा था, मैं खुद उसमें परिपक्व नहीं हूँ, तो मैं तो ठोकर का कारण बन गया ना। तो इसीलिए लिखा है कि ठोकर के कारण और कुकर्म करने वाले, कुकर्म के बारे में हम सब जानते हैं, उनको इकट्ठा करेंगे। ये स्वर्गदूत क्या करेंगे, सब स्वर्गदूत आ रहे हैं, दो भागों में बांटे जाएंगे। आधे क्या करेंगे, चुने हुओं को लाएंगे, आधे क्या करेंगे, कुकर्म करने वालों को और ठोकर के कारणों को लाकर यीशु मसीह के सामने खड़ा कर देंगे। आइए वापस चलते हैं 25 अध्याय में, मत्ती 25 अध्याय की 31 से हम दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ठीक है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। सब लोगों को कौन इकट्ठा करेगा, स्वर्गदूत, सब इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। यह है बहुत भयंकर बात मेरे और आपके लिए। ये न्याय का वो समय है जब हमारी रूह कांप जाएगी, हम बिलख बिलख कर रोएंगे, हम पछताएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास समय है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको झपट कर आग में से निकाल लें, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिनको देखे बिना हम रह नहीं सकते, जिनसे बात किए बिना हम रह नहीं सकते, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनसे बातचीत करें, उनको वचन पढ़कर सुनाएं, उनको कह दें कि यीशु मसीह को अपना लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये परिस्थिति आने वाली है न्याय के समय कि जब सारी जातियां इकट्ठी की जाएंगी, तो क्या होगा। 32 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उनको एक दूसरे से अलग कर देगा, अलग कर देगा। भेड़ और बकरियां अलग हो जाएंगी। भेड़ बहुत सीधा जानवर होता है, एक ही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन बकरी जो है वो बहुत चंचल स्वभाव की होती है, भटकती रहती है इधर से उधर, इधर से उधर। तो जो बकरियां होंगी वो यीशु मसीह के बाएं हाथ पर, और जो भेड़ होंगी वो यीशु मसीह के दाएं हाथ पर खड़े होंगे।
अब समझने वाली सोचने वाली बात यह है कि मैं या हम या आप जिससे प्रेम करते हैं, वो हमारे बच्चे हों, पत्नी हो, पति हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, वो कैसी चाल चल रहे हैं इन दिनों? क्या वो प्रभु में हैं? क्या वो वचन पढ़ते हैं? क्या वो संगति में रहते हैं? क्या वो प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं? क्या वो प्रार्थना करते हैं? क्या उनका जीवन आत्मिक है? क्या उनका जीवन आध्यात्मिक है? क्या वो प्रभु प्रभु करते हैं, या फिर वो सांसारिक कामों में लगे हैं, नशे में लगे हैं, गाली गलौज में, इधर उधर व्यर्थ की बातों में लगे हैं? जिनसे हम प्रेम करते हैं अगर वो इन बातों में लगे हैं, तो ये परिस्थिति आने वाली है, न्याय के समय प्रभु दो फाड़ कर देगा। हम अगर हम धर्मी होंगे, हम यीशु मसीह के दाएं हाथ पर खड़े होंगे, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बाएं हाथ पर वो अजीज होगा जिसको हमने ज़िंदगी में बहुत प्यार किया है। हम देखेंगे उसको, लेकिन अपने पास नहीं बुला सकते। हम उसे अपने पास नहीं बुला सकते क्योंकि बीच में यीशु मसीह है। बीच में यीशु मसीह है। यीशु मसीह घूस नहीं लेता, यीशु मसीह रिश्वत नहीं लेगा, यीशु मसीह कुछ बात नहीं सुनेगा उस समय, क्योंकि सुनने का समय तो अभी है। अभी सुन लेगा वो, अभी प्रार्थना कीजिए, अभी वो सुन लेगा और आपके अजीज को बदलने में आपकी मदद करेगा। वो समय बहुत निकट है दोस्तों, जब न्याय का समय होगा, हम अलग कर दिए जाएंगे, जब यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेंगे। और जब वो, मान लीजिए कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत विश्वासी है, मैं गलत कामों में लगा हुआ हूँ, लेकिन हम दोनों में बहुत प्यार है, जब यीशु मसीह आएंगे तो मैं बाएं हाथ पर होऊंगा और मेरी वाइफ दाएं हाथ पर। वो कुछ भी कर ले, मुझे बचा नहीं सकती। हमने भजन संहिता 49 अध्याय के 6-7 पद में पढ़ा है कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, वो अपने अजीजों को किसी भी रीति से बचा नहीं सकते। बाएं हाथ पर खड़े हुए लोग नोटों की गड्डियां या चेक भर भर कर भी दे देंगे यीशु मसीह को, तब भी कुछ काम का नहीं होगा। वो तो नरक के लिए तैयार हो गए जो बाएं हाथ पर खड़े हैं। मत्ती 25 की 33 आयत और पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। ये न्याय के समय होगा। अब एक ही घर में भेड़ भी हैं, बकरी भी हैं। अब खोजने का काम मेरा और आपका है कि वो देखें कि वो बकरियां कब भेड़ बनेंगी। ये बदलाव मुझे और आपको लाना है दोस्तों, परिवार में, चर्च में, समाज में, अपने दोस्तों में, अपने अजीजों में, रिश्तेदारों में। इसकी खोज भी हमको करनी है कि कौन है जो व्यर्थ का जीवन जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब पढ़ते हैं बाइबल में धनवान व्यक्ति के बारे में, अभी देखिए यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हैं और बाएं हाथ पर कौन है? कुकर्म करने वाले, ठोकर के कारण वाले, और दाएं हाथ पर कौन है? धर्मी लोग, प्रभु के चुने हुए लोग। 2 फुट का फासला होगा, 2 फुट का। अभी हम हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हमारे पास अब एक साधन है फोन, हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह बीच में आ जाएंगे महिमा के सिंहासन पर बैठकर, तब हमारे पास समय नहीं होगा। उस समय ना हमारे पास ये चीज़ काम करेगी, ना हम किसी से हाथ मिला सकते हैं, ना हम किसी से गले मिल सकते हैं, ना बातचीत कर सकते हैं। न्याय के समय ऐसा होने वाला है। 2 फुट का फासला आ जाएगा मेरे और आपके बीच जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा फासला होने वाला है, देखेंगे लूका की पत्री 16 अध्याय और 19 पद से। यहाँ पर देखें, धनवान व्यक्ति के विषय में लिखा है, एक धनवान व्यक्ति है जो बिंदास जीता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं है। 16 अध्याय के 19 पद से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आज, मैं जो, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है इसलिए मैं सिर्फ वर्सेस लिख रहा हूँ, पूरी वर्स नहीं लिखूँगा, सिर्फ उसके नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था।
धनवान व्यक्ति धूमधाम से रहता था, कोई चिंता नहीं थी इसको, कोई परेशानी नहीं थी। और लिखा है, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसकी घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। तेईस आयत देखिए क्या लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। लाजर को कहाँ देखा? इब्राहिम की गोद में। अभी वो स्वर्ग में नहीं गया, अभी स्वर्ग में कोई भी नहीं गया, अभी कहाँ पर है? सब स्वर्ग से नीचे वाला जो स्वर्ग है जिसे पैराडाइज कहते हैं, वहाँ पर सारी आत्माएं इकट्ठा हो रही हैं। उसके बाद न्याय के बाद ही तो हम स्वर्ग में जाएंगे, बिना न्याय के कौन स्वर्ग या नरक में जाएगा? तो ये न्याय के लिए यहाँ पर अब्राहम की गोद में चला गया। अब्राहम कहाँ पर है? पैराडाइज में। तो ये जो लाजर है इसको भेजा गया अब्राहम की गोद में, लेकिन जो धनवान है वो अधोलोक में पहुँच गया। आगे देखिए क्या लिखा है 24 आयत में, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अभी हमने पढ़ा 19 आयत में कि वो कैसे रह रहा था, धूमधाम से रहता था, किसी बात की चिंता नहीं, पैसा ही पैसा है, बहुत धन था उसके पास, उसे किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन मर गया, खत्म सब कुछ, पैसा धरा रह गया, और कहाँ चला गया? अधोलोक में। और वहाँ से उसने अब्राहम से पुकार कर कहा कि लाजर को यहाँ भेज दे ताकि वो पानी में ऐसे उंगली डालकर मेरे मुंह में डाले, क्योंकि आग में वो तड़प रहा था। देखिए अब्राहम ने क्या कहा, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। लाजर के विषय में हमने देखा कि लाजर को वहाँ पर छोड़ दिया जाता था, जो झूठन गिरती थी वो उसको खाता था और उससे उसका निर्वाह होता था, उसके घाव थे जो कुत्ते आकर चाटते थे। अब कहाँ चला गया लाजर? पैराडाइज में। धनवान अधोलोक में। बहुत बड़ा फासला है दोस्तों, अभी तो हमने 2 फुट का फासला देखा था यीशु मसीह और लोगों के बीच में, बीच में यीशु मसीह, इधर बकरी और इधर भेड़ है, अब फासला बहुत बड़ा होने वाला है। देखेंगे 26 आयत, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार आ सके। इतना बड़ा फासला होने वाला है, ना कोई वहाँ से यहाँ आ सकता है, ना यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है। स्पष्ट रूप से साफ रीति से कह दिया है अब्राहम ने कि ये बात तो अलग है, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा खोदा गया है, इतनी बड़ी खाई है कि ना तो तू यहाँ वहाँ से यहाँ आ सकता है, ना मैं यहाँ से वहाँ भेज सकता। ये परिस्थिति आने वाली है, संभालने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है अपने अजीज़ों को, किन को? जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिनको देखे बिना हम रह नहीं सकते, जिनसे जिनकी जरा से दुख से हम दुखी हो जाते हैं, जिनकी पीड़ा से हम पीड़ित हो जाते हैं, जिनकी परेशानी हमारे माथे पर शिकन ले आती है। ऐसे लोग जब यीशु मसीह के बाएं हाथ पर खड़े होंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस समय। आगे लिखा है, देखिए अब जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज दे। अब क्या हो गई? अब चिंता हो गई अपने भाइयों की, क्योंकि लाजमी बात है कि जब हम एक घर में रहते तो प्यार मोहब्बत होता है भाई बहनों में, तो अब इस वक्त अपने भाइयों की चिंता होगी। देखिए सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। उससे अपने भाइयों की चिंता हो गई कि मेरे भाई भी मेरी तरह जीवन जी रहे हैं, मैं तो यहाँ पर आकर इस आग में जल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई भी यहाँ पर आए और वो भी इस पीड़ा में जले।
उसने कहा कि इसको मेरे भाइयों के पास भेज दे, धरती पर भेज दे, ये शिक्षा देगा उनको जाकर, ये शिक्षा देगा उनको जाकर। और आगे लिखा है, इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल। इब्राहिम ने साफ रीति से यहां पर बता दिया कि उनके पास क्या है, मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तक, बाइबल। लिखा है, दोबारा पढ़ रहा हूं 29 आयत को, लिखा है, इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। ये है जीवन को बचाने वाली पुस्तक, इसी को नहीं पढ़ते इसीलिए नरकीय जीवन पृथ्वी पर लोग जी रहे हैं, नरक बना रखा अपने जीवन को, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। इब्राहिम ने उस धनवान से साफ रीति से कहा है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है, कहा है कि उनके पास मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तक है, उनकी सुने, तब जीवन बदलेगा। ऐसे ही नहीं बदल जाएगा जीवन, पांच भाइयों की चिंता अब हो रही है, खुद तो पढ़ी नहीं बाइबल, अब उनसे बोलो कि वो बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल को पढ़ें, ताकि उनका जीवन बदले। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तब वो मन फिराएंगे। नहीं, इब्राहिम ने मना कर दिया। फिर उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। जब वो बाइबल को ही नहीं मान रहे तो मरा हुआ जीकर उनके बीच में जाकर क्या करेगा, उनको तो बाइबल को मानना पड़ेगा, बाइबल की सुननी पड़ेगी, बाइबल पर ध्यान देना पड़ेगा। भविष्यवक्ता और मूसा की पुस्तकें बाइबल के विषय में जिक्र करता है, यहाँ पर वचन के विषय में जिक्र करता है, कौन, इब्राहिम। ये बहुत बड़ा फासला है दोस्तों, ये एक गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा मेरे और मेरे अजीज के बीच में आने वाला है। तो हमें इस समय कैसे होना चाहिए, ये समय अंतिम समय है और अनुग्रह का समय कहा जाता है इसको। अभी प्रभु यीशु मसीह आने की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आइए एक वचन देखेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद, यह लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको, जितने भी परिवार में हैं, सबको मन फिराव का अवसर परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन हम जब देख रहे हैं यीशु मसीह के आने में देर हो रही है, तो हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरह से जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। हम अपने अजीज़ों को जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम उन्हें मना भी नहीं करते कि ये कर क्या रहे हो, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु आपको बुला रहे हैं, क्योंकि समय निकट है, वो बादलों पर आने वाला है। एक गीत हम गाते हैं कि यीशु बादलों पर आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो, नरसिंगा अब बजने वाला है, हो बेदार अब देर ना करो। अब तैयारी का समय है, हम उन पांच कुंवारियों की तरह ना बने जो ऊँगने लगी और दूल्हा आया और चला भी गया। हम सजग, सतर्क, सावधान रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, अपनों के लिए, अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिनको देखे बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि जब न्याय का समय आएगा उस समय हमारे अजीज़ और हम कहाँ पर होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा कुटुंब, हमारा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर बैठें, तो आज ही से काम शुरू करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेवकाई घर से शुरू होती है, घर से शुरू होती है सेवकाई। तो इस सेवकाई की शुरुआत घर से करें, आज ही अपने उन बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को भी परमेश्वर का वचन सुनाएं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो उन्हें छोड़ दें, प्रेज द लॉर्ड, क्या फ़ायदा, नरक में जाने का काम करेंगे।
बहुत जरूरी है ये, क्योंकि जब न्याय का समय आएगा तब हमें दो फाड़ कर दिया जाएगा। जो प्रभु में होंगे वो दाएं हाथ पर होंगे, जो प्रभु में नहीं होंगे वो बाएं हाथ में होंगे। एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के, चाहे उस परिवार में दो लोग हों, तब भी यीशु मसीह दोनों को अलग अलग कर देंगे, बशर्ते अगर वो विश्वास में है तो दोनों प्रभु के दाहिने हाथ पर होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये न्याय का दृश्य है, ये न्याय की वो फिल्म है जो मैंने आज आपको दिखाई है। ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैंने एक एक बात बाइबल से बताई है, बाइबल के बाहर मैंने एक भी बात नहीं कही है। ये सच है और इसी सच को फैलाने की जिद लेकर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। जिद है सच को फैलाने की। आप भी मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए और इस सच को फैला दीजिए, बता दीजिए लोगों को कि ऐसे ही जिंदगी मत जिए। क्योंकि एक शेर मुझे याद आता है कि सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है, तो क्या फायदा, क्यों ना प्रभु के पास आया जाए और अपनों को भी लाया जाए। खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें, अपने घर से, अपने अजीज़ों से। उन्हें देखें कि वो प्रार्थना में बैठते हैं या नहीं, वो चर्च जाते हैं या नहीं, वो प्रार्थना करते हैं या नहीं, वो आराधना स्तुति में शामिल होते हैं या नहीं, वो वचन को पढ़ते हैं या नहीं। ये काम है, ये मेरा और आपका काम है, हमें घर से ही शुरू करनी पड़ेगी अपनी मिनिस्ट्री। अगर घर में वो एक जन भी अगर गड़बड़ है तो हमारी मिनिस्ट्री को ख़राब कर सकता है। लोग हम पर उंगली उठा सकते हैं, कह सकते हैं पहले अपने घर को संभालिए उसके बाद हमें समझाने आना। तो शुरुआत कर दीजिए अपने परिवार से, जो लोग भटक गए हैं उनको खींच कर लेकर आए प्रभु के पास और उनके लिए प्रार्थना करें। मुझे भी रिक्वेस्ट भेजें, मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा कि एक परिवार जब न्याय के समय यीशु मसीह आए तो वो यीशु मसीह के दाएं हाथ पर खड़ा हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज यदि आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे बताइए कि आज के संदेश से आपको क्या शिक्षा मिली है। मैं प्रार्थना कर निवेदन करता हूँ आपसे कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन भेद की बातों को जान सकें, क्योंकि अंत समय है, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और ये जो सच्चाई है ये जन जन तक जानी चाहिए, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ब्रदर मैं आपके साथ हूँ, मुझे भी जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए, याद रखिए आज के वचन को। प्लीज द लॉर्ड।